राजधानी की 17 लोकसभा सीटों में विकास के मामले में पिछड़े इस उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर मुकाबला सबसे दिलचस्प और हाई प्रोफाइल हो गया है। यहां से भाजपा और कांग्रेस ने जहां अपने मौजूदा प्रदेश अध्यक्षों को टिकट दिया है, तो आम आदमी पार्टी ने पहले ही अपने पूर्व प्रदेश संयोजक दिलीप पांडे को मैदान में उतार रखा है। जिस तरह से तीनों ही उम्मीदवार हाई प्रोफाइल होने से सीट पर चर्चा ज्यादा होगी और लोगों की नजर भी काफी रहेगी कि आप प्रत्याशी दिलीप पांडे से हमारी संवाददाता प्रीत किरण ने खास बातचीत की। दिल्ली में चुनाव प्रचार अपने चरम पे है। नॉमिनेशन जो फाइल करने की डेट थी आज समाप्त हो गई है और पूर्वी उत्तर पूर्वी दिल्ली से दिलीप पांडे हैं मेरे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, शीला दीक्षित से आपका मुकाबला है, मुकाबले में मनोज तिवारी भी हैं, दोनों प्रदेश अध्यक्ष हैं अपनी अपनी पार्टी के, कैसे देखते हैं आप, कैसे टक्कर देंगे? मुझे लगता है आपने सवाल ही गलत पूछ दिया। माननीय शीला जी से कोई मुकाबला है ही नहीं, वो दिल्ली के अंदर तीसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस पार्टी की ओर से खड़ी हुई हैं, लिहाजा वो दिल्ली में सिर्फ वोट काट कर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास करने के अलावा, जिता नहीं पाएंगी, जिताने का प्रयास करने के अलावा इस चुनाव में वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं। मैं आपको आंकड़ों के मुताबिक अगर बताऊँ तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पैदाइश के बाद 4 चुनाव हुए और हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर रही और 3 चुनाव में इनकी जमानत भी जब्त हुई है। तो ऐसी पार्टी को अगर दिल्ली में वोट किया जाएगा, तीसरे नंबर की पार्टी को, तो वो वोट भारतीय जनता पार्टी को ही जा रहा है। लिहाजा आप धीरे 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 लोग समझ गए। और सबसे अच्छी बात ये, अभी हरियाणा में जींद में भी बाई इलेक्शन हुए, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला चुनाव लड़े, 22,000 वोट काट के बीजेपी को जिताने के अलावा कोई काम नहीं किया उन्होंने वहाँ पे। तो लोग समझ गए हैं कि जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो और तीसरे नंबर की पार्टी को वोट करेंगे और उनमें से एक बीजेपी है, तो बीजेपी खुद बखुद बिना कैंपेन के जीत जाएगी। लिहाजा उत्तर पूर्वी दिल्ली और दिल्ली के अंदर लोग कांग्रेस को वोट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ अहंकारी और निकम्मे सांसदों को वापस लाना बिल्कुल भी नहीं चाहते। दिल्ली में वोट अब कंसोलिडेट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को 12 मई को दिल्ली की जनता उनके धोखे के लिए, पूर्ण राज्य के मुद्दे पर जो उन्होंने यू टर्न लिया, उनके धोखे का जवाब देने वाली है। पूर्ण राज्य के मुद्दे पर इस बार पीएम बनाने के लिए कोई वोट नहीं करेगा, दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए वोट। तो शीला दीक्षित से सीधा मुकाबला है, मनोज तिवारी से मुकाबला है, ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आम आदमी पार्टी क्या मुद्दे लेकर आती है दिल्ली में। और जिस तरीके से दिल्ली सरकार में एकदम से 67 सीटें हासिल की थी, अब इस बार 7 सीटों में से आम आदमी पार्टी के पास कितनी सीटें आ पाती है? कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ प्रीत किरण सिंह, A1 TV, दिल्ली।